हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये ऐसे प्लांट पे है जो हमारे प्लांट सूख गए हैं, तो ये उसी पे है वीडियो। तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसकी दोबारा रिपोर्टिंग करके मैं सारा आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। आइए मेरे साथ आज तक बने रहे। पहली वीडियो आपने मेरी देखी, कितने सारे प्लांट थे मेरे पास ये गजानिया के। मैंने बहुत अच्छे अच्छे आपको फूल दिखाए, तो एक मैं मेरे पास वीडियो पड़ी है तो मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ आपको। आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। और ये देखिए गजानिया में कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं इस समय, और कलर देखो कितने खूबसूरत हैं इनके। और ये इस पर छोटा सा है मगर देखो कलर कितना प्यारा है इसका। और इधर भी ये देखो, और एक ये छोटा सा फूल लगा हुआ है इस पर, ये देखो कितना प्यारा कलर है इसका भी। और उधर दिखाती हूँ अभी, और ये देखो ये कितने खूबसूरत है, ये फूल बहुत ही खूबसूरत है। और एक ये है गजानिया के, मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। तो अगर आपके प्लांट भी गर्मी से सूख गए हैं या पानी से गल गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये मेरे जाने के बाद देखो दो तीन दिन में कैसे ये सूख गए पूरे। और वैसे तो ये सीजनल है और परमानेंट भी आते हैं इसमें गजानिया में, तो ये कुछ कुछ इसमें हरी है, इनकी थोड़ी पत्तियाँ निकाल दूँगी, देखती हूँ ये हरी होती या नहीं होती। और इसकी भी सारी सूखी पत्तियाँ निकाल दूँगी, और इसको मैं बिल्कुल बारिश से बचा दूँ, क्योंकि बारिश से भी ये बहुत जल्दी गल जाती है। और पूरा धूप में रख दो, इनको पानी मत दो, ये तब भी सूख जाती है, दोनों ही इसमें कारण हो सकते हैं। तो मैं इसको सबको निकाल दूँगी इनको, और फिर देखती हूँ ये ग्रीन रहते या नहीं रहते, इसका भी मैं अपडेट दूँगी बाद में आपको। और ये देखिए, ये मेरा पेंटस का था, ये डबल फूल थे इस पर, बहुत ही खूबसूरत फूल लगते थे इस पर, और दो कलर थे इसमें। तो ये पूरा सूख गया, मैं दो तीन दिन के लिए बाहर गई तो ये मेरा प्लांट, एक दो प्लांट सूख गए मेरे। तो ये देखिए, मैं इनकी पहले सबकी सूखी पत्तियाँ निकाल दूँगी, और फिर देखते हैं ये हो सकता है, ये थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन है, हो सकता है इसमें नई नई पत्तियाँ आ जाए। तो इसकी पत्तियाँ निकाल दूँगी सारी, और इसकी जो भी एक्स्ट्रा इसमें ये कूड़ा कबाड़ है इसको सबको निकाल दूँगी, और हल्की हल्की गुड़ाई करके इसमें पानी डाल के इसको रख दूँगी, जो ये बारिश वाला पानी होता है इसे डाल के मैं रख दूँगी। और फिर इसका अपडेट दिखाऊँगी जब ये ग्रीन हो जाएगा, तो इसका अपडेट भी इसी वीडियो में डालूँगी। ये देखिए, ये तो पूरा ही सूख गया है ये गजानिया का, तो इसे तो बचाने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसको तो मैं निकाल दूँगी। और इनको देखती हूँ, ये दो हैं मेरे पास, इनमें से कौन सा बचेगा। पैसे तो सूख गए पूरे, लेकिन फिर भी बचाने की कोशिश करूँगी और फिर इसका अपडेट दूँगी आपको। देखिए मैं बचाने के लिए क्या करूँगी, इसका ये जो प्लांट है ये सूखा हुआ, तो इसको पूरा ही जड़ से निकाल देंगे, और ये कुछ इस तरह, और इसमें जितना भी सूखी पत्तियाँ है पूरा निकाल देंगे इसको, और जो इसमें रह जाएगा ये ग्रीन ग्रीन, सिर्फ मैं इसी को ही दोबारा लगा दूँगी, और देखते हैं ये बचेगा या नहीं बचेगा। इसको भी ऐसे ही करूँगी, और ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन मेरा बच गया है। और ये देखिए ये सूखा बिल्कुल कूड़ा कचरा मैंने निकाल दिया इसका, तो ये बचा है। अब इसका देखिए ये फार्मूला मेरा काम करता है, नहीं करता जरूर करेगा। तो और ये मेरे पास ये पेप्सिसाइड का ये पाउडर पड़ा है, और मैंने इसमें ये मैं डाल के तैयार रखती हूँ, तो ये एक लीटर में ये आप 1.5 ग्राम ले लीजिए, और इसको या डिप कर लो इसको, तो ये इसकी जड़ें जो हैं ये फंगस का कोई अटैक नहीं होगा इस पर, क्योंकि बरसात में भी फंगस का अटैक हो जाता है। तो मैं पूरी मिट्टी पे भी इस पर अप्लाई कर दूँगी, अब मैं इसको लगा दूँगी बस। और देखिए मैं 4-5 दिन के बाद दिखा दूँ, 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन नहीं 4 दिन हो चुके हैं। तो ये मैंने जो ये क्या था, ये फार्मूला जो आपको बताया था कि सूखी पत्तियाँ निकाल देना और दोबारा से इसको लगाना, और देखो अब इस पर बड भी आ गई है, कितनी खूबसूरत सी, ये तो चल गया। और ये वाला थोड़ा सा कम चल रहा है, चल जाएगा ये भी, वैसे मुझे विश्वास है ये चल जाएगा। तो ये क्योंकि ये ज़्यादा कम था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था इसका, तो ये उतना ही है। और ये देखो ये अच्छी सी चल गया, बस अब हमें करना क्या है, पूरी बरसात से बचाना है, और इसमें कोई भी यहाँ नीचे पत्ती इसकी बिल्कुल भी नहीं रखनी, और नहीं तो क्या होता, फंगस का अटैक इसमें बहुत जल्दी होता है। और बारिश से भी बचाना है, बारिश का पानी तो ज़रूर डालना है इस पर, लेकिन इसे कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ थोड़ा धूप भी पड़े और बारिश का पानी ज़्यादा ना पड़े इस पर। और इसके ड्रेन होल जो है बड़े बड़े रखना है,
अगर पानी जाए भी तो वो नीचे से निकल जाए। बस ये इसके केयर टिप्स है, तो ये हमारे गार्डन में परमानेंट बना रहेगा। और मेरे तो और कई सारे सूख भी गए लेकिन मैंने ये दो बचा लिए हैं। एक तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके प्लांट सूख रहे हैं गजानिया के, तो ये वाला फार्मूला बहुत अच्छा है, इसे अपनाएं अगर आपको अच्छा लगे। और हाँ, एक अभी और भी तो दिखाती हूँ। और ये भी मैंने देखो, शाम हो रही है तो जल्दी जल्दी देखो दिखाती, थोड़ा अंधेरा हो गया। तो इसमें देखो कितने अच्छे से, ये भी ऐसे ही सूख गया था, तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा ये दिखाई देने लगी। देखो मैं धीरे से दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से कुछ, यहाँ से इसमें हरी हरी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, छोटी छोटी पत्तियाँ शूट्स निकलने शुरू हो गए। तो ये भी मेरा पेंटास का ये भी चल जाएगा। तो ये देखो, अगर हम अगर ये जैसे सूख गया था और बाई चांस ये और भी सूखता चला जाता, अगर मैं ये वाला काम नहीं करती तो ये सूख जाता, तो ये पूरा ही सूख जाता, हमें फेंकना पड़ता। तो इसलिए देखो ये मेरा फार्मूला कामयाब हो गया। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपका भी सूख रहा है कोई प्लांट तो उसको दोबारा रिपोर्टिंग कर दें, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके, इसी तरह जिस तरह मैंने किया, तो आप भी कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।